जय हिंद दोस्तों, मैं आरके त्यागी आप सभी को अपना ही चैनल बेस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, जोड़ और घटा यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे आज हम लोग वो सीखना चाहेंगे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि हम सभी लोगों ने क्या करते हैं, जो हमने जोड़ अभी तक छोटे से लेकर अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि जोड़ इस तरह से होता है कि आप इसको ऐसे दे देते हैं और कहते हैं इसको जोड़िए, ठीक है ना। तो हम ऐसे दिया जाता है, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। पर जोड़ना तो बहुत आसान होता है, पर हाँ इस तरह से आपके कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका यह नहीं आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात आपको जान लिया कि जब भी आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा उसका तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो आप तो इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना, छः छः 12 अच्छा और एक साथ हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 6 ठीक है, 6 कर दीजिएगा 8 और 14 हो जाएगा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। पर हाँ इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं करना है। यदि आप अगर बात करें हम घटाओं का, ठीक है, तो यदि ऐसा दिया रहेगा तो आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी से कर जाते हैं, ठीक है ना। पर आपको हर भी ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, जो करना है वो चीज़ हम जा रहे हैं बताने, ठीक है ना। आप वैसे ही कीजिएगा जो आपको कॉम्पिटिशन में हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रहता है टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और टाइम को मेंटेन करना ही बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो आप हरगिज ऐसे सवाल ऐसे कभी मत कीजिएगा जैसे यहाँ पर ऐसे दिया है। अब आप शुगर कीजिए जैसे हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 14 में से गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, या हो जाएगा कितना 1 हो जाएगी, 11 में से गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 8, 8 में से दो गया तो कितना होगा 6 हो जाएगा, ये दे दिया कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पर ऐसा कभी आपको एग्जाम में देता ही नहीं है, आप करिएगा तो क्या कीजिएगा। इसलिए अब यह किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम बता रहे हैं बात। जो भी आपके सवाल में एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे वो इस तरह से रहेंगे, पर हाँ चाहे यहाँ पर जोड़ दे दे चाहे घटा दे दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से पूछ देगा आपका इसका मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे आपका कीजिएगा लगेगा सोचने की चलो इसको लिख देते हैं फिर सजा देते हैं, सजा कर फिर जोड़ते हैं, ऐसा कभी हरगिज मत कीजिएगा, ठीक है ना। कर रहा होगा तो क्या कीजिएगा, देखिए इसको ही जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना 4 अच्छा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना होता है 15, 15 का 5 करेंगे 1 8 1 9 ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जब भी हम करेंगे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यदि घटाव भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अगर घटाव दे दिया है आपके सामने ऐसे दे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे दे दिया है, कह रहा है कि इसको घटाइए, ठीक है ना, यहाँ पे कहेगा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, अभी आपको ऐसे एग्जाम में तो पूछता नहीं है, आपको जो पूछेगा वो चीज़ हम बताना चाहते हैं, ठीक है। पर यहाँ देखिए ध्यान से, यदि हम 4 में से 0 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना वो 2 है, यहाँ पे कितना है, देखिए कभी भी घटाइएगा तो लास्ट वाले को लास्ट से, लास्ट वाले को लास्ट से, यानी जैसे हम यहाँ लास्ट चलेंगे वहाँ भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। जब भी आप कीजिएगा ऐसे ही हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपको ऐसे ही करना भी होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम 4 में से देखिए बड़े वाले अंक में से ही छोटे वाला ही अंक घटता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है, जो बड़ा होगा उसको हम छोटा में से क्या करेंगे घटाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको देखिए 4 में से या 0 यानी कितना हो जाएगा आपको जी, यहाँ पे 4 में से सॉरी कितना मतलब 4 में से आपको 0 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 में से आपको तो जाएगा नहीं 4, तो इससे कैरी ले लेगा तो कैरी होता 12 होगा। अब 12 में से आपका कितना हो जाएगा, अगर 4 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से आपका 2 गया तो कितना हो जाएगा 8 में से आपका 2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ कितना मतलब 7, तो 7 में से आपका 6 गया तो कितना होगा 1। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप इसे काट दीजिएगा तो क्या पता लग जाएगा कि हमने इसके काम कर लिया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको सिखाते हैं जितने वैरायटीज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारा चीज़ हम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 34, 56, 2 प्लस में यहाँ पे कर रहे हैं हम कितना 28, 34, ठीक है, उसके बाद में 52 टोटल 39। अब यहाँ पूछ देगा आपको कैसे होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। आप जरा ध्यान दीजिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप कभी
ऐसा मत कीजिएगा कि इसको उतार लेंगे यहाँ पे, इसको इसके नीचे उतारेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे, ऐसे ही समझिए ना कि वहाँ पे हमको टाइम को ध्यान देना होता है, ठीक है ना। कैसे कि वहाँ पर हर क्वेश्चन बनने वाला होता है पर वहाँ पे टाइम नहीं रहती, इसी के अगौज में क्या होता है हमारी क्वेश्चन छूट जाती है। तो जब आप बताइए इसमें पाँच अक्षर है, इसमें चार है, इसमें कितना है, चार है, यदि आप एक एक अगर एक अक्षर को एक वर्ड को आप उतारते हैं तो अगर एक सेकंड लगती है तो सोच लीजिए इतना वर्ड है तो आपको उतना सेकंड तक गया। तो इसलिए आपको हरगिज क्या करना है, ध्यान देना है कि आप इसको ऐसा ही सिंपली से करें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम कैसे करते हैं, उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेगा नौ, देखिए एक मतलब आपको लगेगा कि ये भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं, आपको बताने पर हम बता रहे, इसे बहुत फास्ट में कभी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नौ कितना हो जाएगा, चार तेरह, तेरह दो कितना हो जाएगा, पंद्रह। तो यहाँ लिखेगा क्या, हम पंद्रह का पाँच, कैरी कितना गया वन, तो इस वन को कैरी को हम इसी में लाकर जोड़ देंगे तो कितना, तीन है एक चार हो जाएगा, और चार तीन कितना जाएगा सात हो जाएगा, सात छः कितना होगा तेरह हो जाएगा, तो तेरह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे तीन लिखेंगे, फिर कैरी है वन आ गया, तो इस कैरी को फिर अब इसमें लाकर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दो एक तीन, और तीन को आठ कितना हो जाएगा आपका ग्यारह हो जाएगा, और ग्यारह अब फिर आप इसको जोड़ लीजिएगा पाँच से कितना होगा सोलह, सोलह क्या लिखेगा अब छः, तो यहाँ फिर कैरी आ गया, तो इस कैरी को फिर अब इसमें जाकर ऐड कीजिए तो आप कितना हो जाएगा यहाँ, तो कैरी का तो छः हो जाएगा, छः अब कितना होगा आठ होगा, आठ से कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा, तो बारह का क्या लिखिएगा दो लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा दो लिखिएगा, अब कैरी कितना हो गया वन, अब यहाँ देखिए तो कोई डिजिट नहीं यहाँ पे, कोई डिजिट नहीं यहाँ पे, ए और डिजिट है, तो इस कैरी को ले जाकर इसमें अगर कीजिएगा जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा चार, इस तरह से आपका यह होता है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब उसी तरह देखिए आपको क्या पूछ सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और दूसरा तरीका आपको ऐसे कह सकता है कि यहाँ पे लिख रहा है चौबीस पैंतीस, ठीक है ना, यहाँ पे तेईस उनतीस घटा कितना होगा बारह चौंतीस, ठीक है। अब इसको कह देगा कि आप बता दो क्या होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दे इसको कैसे करेंगे, बस जोड़ और घटा साथ में करना है आपको, क्या होगा साथ में करना है, कोई भी बात इसमें दिक्कत ही नहीं, आप साथ में कीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी आपको हो ही नहीं सकता है, कह रहे साथ में कीजिए साथ में कीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए यह माइनस में है और एक के दोनों क्या है प्लस में है, तो आप सोचिए जो पूरा वैल्यू है माइनस का, एक पूरा वैल्यू प्लस का, ये क्या है पूरा वैल्यू प्लस का है, अब इस माइनस को क्या लेंगे चार, अब देखिए चार माइनस में है तो इससे प्लस तो कम होगा ना, तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगी, क्या हो जाएगा यानी नौ में से आपका चार चला गया तो कितना हो गया पाँच, अब हमारे पास कितना प्लस में पाँच बचा तो पाँच ही और पाँच ही कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, तो यहाँ दस क्या लिखिएगा शून्य, जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो यह जीरो हो गई, अब हमारे पास एक कैरी भी बचा है, तो इस कैरी को क्या करेंगे हम पहले हैं इससे हम घटा लेंगे, ठीक है ना, तो एक कैरी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, अब यहाँ दो हुआ तो दो से दो ये भी गया तो खत्म, अब यहाँ कितना बचे तीन, तो हम इस तीन को क्या करेंगे यहाँ पे हम सिंपल सी बात है क्या लिख देंगे, हमारे पास कैरी है ना कुछ है, चलिए अब यहाँ पाते हैं, अब आपके कितना आया दो, आई तीन में से आपका दो गया तो एक बच गया आपका कितना में प्लस में, आई एक ही और यहाँ पे आपका चार तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सोचिए अब कितना है, या तो यहाँ देखो एक है एक आपका दो में से जाएगा तो कितना होगा एक होगा, एक बच गई और एक का ही कितना हो जाएगा दो तो कितना जाएगा आपका तीन हो जाएगा, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, पर हाँ आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है ना, यदि हम कहें देखिए कितना फास्ट करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे आपके सामने यहाँ पे वर्ड दे दिया गया, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए अब कितना फास्ट करते हैं आपके सामने देखिएगा, अब देखिए आठ चार में से चार गया तो चार कैंसिल हो गया कितना छः, छः का कितना होगा जीरो लिख देंगे गया काम से, अब यहाँ पे कितना होगा दो, आ दो में से दो गया तो कैंसिल, ठीक है कितना होगा चार, चार चार लिख देंगे यहाँ पे आठ में से आठ गया कैंसिल कितना गया दो, तो दो का दो लिख देंगे छः का छः लिख देंगे आपका देखिए आंसर आ गया, बहुत तेजी में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप जरा इसको प्रयास कीजिएगा ऐसे ही करने के लिए, ठीक है ना, और इसको तरीका से देखिए एक और तरीका से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा वही हम करते हैं यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं तीन, देखिए अब किस तीस का तीसरा वैरायटी कैसे आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपका दो छत्तीस, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको इसको वैल्यू यहाँ पे गायब कर दिया, ठीक है ना, इस वैल्यू को आपको क्या करना होगा पता करना होगा, यहाँ लिखेगा माइनस में कितना होगा चौंतीस पैंतालीस हो गया, और यहाँ पे क्या करते हैं बराबर में आपको दे दिया जाएगा कितना छियालीस हो गया, छियालीस और कितना दे दे और दे दे यहाँ पे चौंतीस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अब कैसे करेंगे, अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको जो दिया है यहाँ पे जानकारी हमको नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं, तो सूची अपने दिमाग सूची, और हम एक्स यहाँ पर बैठाते हैं तो इधर जो भी अंक है इधर माइनस में देकर जाएगा तो प्लस करेगा, इधर जो प्लस हो इधर जाएगा क्या माइनस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात कि आपको करना क्या है, तो यहाँ सोचिए हमको इसको ले जाना उधर कुछ नहीं है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आपको दिमाग में होनी चाहिए कि यह माइनस में रहेगा तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और इधर जो प्लस में रहेगा तो क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, ठीक। जैसे हम जोड़ रहे थे ऊपर में दिख रहा है ना, ऊपर जैसे जोड़ रहे थे घटा रहे, तो ऐसा ही सिंपल सी बात आपको करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए यह प्लस है, ये भी प्लस है, यह माइनस है, तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे आप घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पाते देखिए कितना होगा, चार आपका पांच कितना हो जाएगा नौ, और नौ में से आपका छह गया कितना हो जाएगा आपका तीन हो जाएगा, समझ आया ना, तो तीन हो गई। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तीन है, और तीन चार कितना होगा सात होगा, और सात में से आपका कितना घटेगा तीन घटेगा, कितना हो जाएगा आपके सामने चार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा छ, छ है, यह कितना हो जाएगा तीन, नौ हो जाएगा, और नौ में से आपको कितना जाएगा आपका दो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सात हो जाएगा, समझ आया ना। अब यहाँ देखिए ये चार है, और चार दो कितना होगा छः हो जाएगा, छः में से आपको कितना घटाना है दो घटाना है, तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगी, तो इस तरह से आपको दो आ गया कि ना आ गया, समझ गए ना। तो यहाँ तक तो ही सीखे, और देखिए और एक वैरायटी और, चलिए हम आपको इसमें टोटल आपको आठ नौ वैरायटी जो बताएंगे, जो आपको हर चीज आप वही एग्जाम में देखेंगे, वही तरीका आपको हमेशा वही सोचना, इसी इसके सिवा कुछ ज़्यादा आता नहीं। अब यहाँ आते हैं देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या होता है, बेरासी ठीक है, बेरासी चौंतीस ठीक, अब यहाँ दे देगा आपको माइनस ठीक है ना, कहेगा तेईस, यहाँ पर छियालीस दे देगा, और यहाँ भी क्या कर देगा आपको माइनस दे देगा, ठीक है ना, माइनस देने के बाद क्या कहेगा, कहेगा कि देखो यहाँ पे इक्कीस हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देते हैं हम बयालीस लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे देगा कि आपको प्लस ठीक है ना, कहेगा बत्तीस सोलह एक ठीक है ना। अब सोचिए आपके साथ, अब देखो यहाँ पे क्या होगी कहानी, अभी जो कहानी थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेंदी क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ दो माइनस है देखो, और दो प्लस है, कोई बात नहीं भाई, जैसा वैसा करो ना दोस्तों, कह रहे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, बस जो जैसा दिया वैसे करते चलेंगे। अब ध्यान दीजिए करना क्या है आपको, तो यहाँ पर सोचो यह प्लस में है या पूरा वाला वर्ड, यहाँ भी प्लस में है, दोनों क्या है माइनस में, तो जहाँ हम जैसा दिया जाएगा वैसा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको, पक्का आप कह रहे कोई करना कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना है आपका छः, अब देखिए माइनस है तो घटेगा ना, तो कितना देगा चार, यानी छः में से आपका दो गया था चार, अब देखो चार आपका कितना में रहा प्लस में रहा, अब यहाँ से आपको फिर क्या करेगा ये घटा लेगा ठीक है ना, तो अभी भी आपके पास कितना रहा चार था, आइए अब छः को आप माइनस ला दिए, तो अभी भी दो को आपको माइनस में रह गया, अब दो माइनस में आप देखो चार में से आपका दो माइनस चल जाएगा तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या लेते हैं जान देते हैं, चलो दो लिख दिए कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाइए, अब आपके पास यहाँ कितना है एक ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में आपका चार है तो यहाँ से जाएगा तो ये वो तो प्लस चल गया, तो तीन वो बच गया आपका, तो तीन वो माइनस और बचा है, फिर यहाँ पे माइनस में चार हो गया तो कितना जाएगा सात को आपका माइनस में हो गया, तो बताइए सात ये तीन से क्या घटेगी नहीं घटेगी, तो इससे हमें कैरी ले लेंगे, तो ये जाएगा तेरह, तो तेरह में सात कितना हो जाएगा छः हो जाएगा। अब सोचिए एक प्लस में हम क्या कर लेंगे कम कर लेंगे, काहे कम कर लेंगे, कैसे यहाँ पे कैरी दिया है तो प्लस वाला यहाँ कम करे चाहे यहाँ कम करे, कहीं भी आप कम कर लीजिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए अब यही पर कम कर लेते, तो दो था तब इसको हम एक मानेंगे क्योंकि कहाँ से दे चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना एक, अब देखिए एक से एक क्या हो जाएगा खत्म, अब यहाँ बचा आपका तीन, आए तीन देखो फिर यहाँ पे सोचा कि दो में से तो आपका तीन घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा इससे क्या हासिल करेंगे ठीक है, ये देखो बारह, अब बारह में से आपका तीन जाएगा कितना हो जाएगा आपका नौ हो जाएगा, तो आगे दीजिए कितना नौ ठीक है। अभी वो कैरी दिया है तो आप सोच लीजिए वो ये भी कम हो गया तो हम कितना गिने सात गिने इसको, अच्छा इसमें से कम कर ले कहीं भी हम कम कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इधर से करते हैं तो कितना हो जाएगा हो जाएगा दो, अब दो से आपका दो यहाँ ही पर कट गया ठीक है ना, अब आपके सामने सिर्फ माइनस में दो, अब यहाँ पे कितना हो गया आपका आठ, तो आठ में से दो घटे तो कितना होगा छः, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए कीजिएगा आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत फास्ट होगा ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो 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 चल रहा है पर नहीं, आप इसको एक दो बार कर लीजिएगा तो बहुत फास्ट से आप इसको
कर सकते हैं। आपको हम सिखाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए और एक और इसकी वैरायटी आती है, चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, जिनके स्किप शॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये दोस्तों देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें एक और वैरायटी आपसे पूछ सकता है, अब वो क्या है देखिए यहाँ ध्यान से रहिएगा। इन मान के चलिए क्वेश्चन कितना था वहाँ तो कर लेता हूँ चार, ठीक है ना। अब आते हैं हम पाँच, ये कितना तरीका से पूछ सकते हैं, तरीका सारा आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप दे देगा आपको कितना 85 है, ठीक है ना, 85 दे दिए चाहे 85 69 यहाँ दे दिए क्या चाहिए आपका प्लस, ठीक है ना, कितना 12 हम यहाँ 34 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है दे देगा क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू पता करना है। इधर आप दे देगा प्लस में कितना, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, आपका मर्जी जितना दे दे उसको कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं 21 और 63। अब जरा सोचिए कि अब हमको जो इधर था ना अब इधर आ गया, अब सोचिए भाई कि यहाँ पे अब हमको एक्स, यानी यहाँ पे हम एक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर सोचो यार तो एक्स रखोगे तो इधर ला का हम क्या करना, जो भी इधर का अंक होगा तो इधर आएगा, इस साइड आएगा तो क्या वो अपना साइन बदल लेगा, तो बदल लेगा सिंपल सी बात है। पर हमको काहे ले जाएंगे, हम क्यों ले जाए, ऐसे करने में हमको क्या होगा टाइम ज़्यादा लगेगी, इसलिए क्या करेंगे हम यहीं पे इसका साइन बदल लेते हैं, ठीक है। तो जब ये प्लस में तो क्या करेंगे इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अब देखो इधर प्लस है, इधर प्लस है, और क्या हो भाई माइनस हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो, अब हम तीन हमारा माइनस में रहा 3, आई 4 में से 3 गया तो 1, आई 1 का आई कितना हो जाएगा 8, तो 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे करेंगे हम 9 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ सोचो ये कितना आपका 6, अब 6 में से 3 चला गया तो 3 अभी माइनस में रहा, और 6 में से फिर 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 3, तो देख क्या आ जाएगी। अब आइए यहाँ पे, अब जाएगा 1, अब 2 में से आपका 1 गया तो आपका 1 प्लस में रहा, आई यहाँ पे 5 हो, कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 गो, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 6 गो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 2 है, और 2 माइनस में है और 1 प्लस दे दिया इसको, तो अभी भी आपके पास माइनस में 1 बच गया, तो 8 गो में से आप क्या कीजिए 1 क्या कीजिए माइनस कीजिए कम, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इतना आंसर 1 होता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तारीख, देखिए 5वां, अब 6ठा है, ठीक है ना। अब जो कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा, चलिए दिखाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए 6 देखिए अब दिखाते हैं। अब यहाँ कितना देगा, जिससे हम देते हैं 83 49, यहाँ पे देते हैं क्या चीज़ हम प्लस, ठीक है ना। अब कितना दूसरा देखिए 21, यहाँ पे देते हैं 45, ठीक है ना, 21 45। अब हमको यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे दे दिया हमने क्या व्हाट, अब यहाँ पर आपके सामने याद देते हैं बराबर, ठीक। अब क्या जाएगा 58 52 50, ठीक। अब इधर फिर दे देते हम क्या देते हैं, कुछ भी दे लिख लो अपना मन से, ठीक है ना, 23, ठीक है ना, 23 और क्या लिखते हैं 23 65 3, ओके। अब चलिए अब जरा सोचो, देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्त ये क्या है, अब यहाँ पे हमको व्हाट लगाया, तो व्हाट के मतलब कहो कि हम इधर का जितना भी अंक है, देखिए इधर जितना अंक है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, फिर क्या करेगा वो अपना साइन बदल देगा। तो इसे ऐसा कि हम क्यों ना इधर का ही साइन बदल दे, और जीव का त्यों जो जहाँ है उसका वहीं पर रख दे, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, तो प्लस होगा तो इसको क्या करेंगे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं माइनस, यहाँ क्या देगा माइनस, ठीक है। अब जो भी होगा कीजिएगा आप अपने से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सोचो तो ये दोनों जोड़ में, ये दोनों जोड़ में, ये दोनों क्या है घटा हुआ है, तो घटा लेते हैं कोई बात नहीं। चलो यहाँ पाते हैं जोड़ते हैं कितना होगा 3 0 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचो, अब यह दोनों माइनस है, ठीक है ना, तो आपका अगर यह 3 से आपका 5 तो क्या होगा घट गया, तभी भी आपका माइनस में रहा 2 गो रहा कि ना रहा 2 गो, आए आपका यहाँ पे कितना है 9 गो, तो कितना होगा 11। तो अब सोचो यदि हम 11 तब क्या करें हम भाई, क्या करें, तो 11 है तो 11 को हम कैसे घटाएं, तो कोई हमारे पास अंक नहीं है, ठीक है ना। तो हम
एक क्या कर लेंगे, 11 है ना, तो उसे क्या करेंगे हम 20 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 में से हम जैसे 11 घटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 9। अब प्रयोग काहे आता है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको खेला इसका क्या है। जो इसको हम 20 मान लिए ना, क्यों मैंने 20, इसका कहानी क्या है कि यह दिख रहा था कि यहाँ पे जो माइनस वाला अंक है वो बड़ा हो जा रहा था, और प्लस वाला अंक क्या हो रहा, छोटा हो रहा था। तो इसीलिए हम क्या किया कि उसको हमने 20 मान लिया, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 हम कम कर लेते हैं, तो 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपके सामने कितना होगा, अभी हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 3 आया कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 आया, यहाँ पर सोचिए क्या है, 8 में से आपका 4 गया, तो अभी भी आपका 4 प्लस में रहा, यहाँ से 4 गया तो 4 हो गया, खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो हाथ में से कुछ नहीं है ना, तो यहाँ देखो 6 आया आपका कितना होगा, 2 8, 8 हो गया आपका, प्लस में कितना होगा, 8। अब 8 में से आप कीजिए 1 कम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 7। और 7 में से आप कितना कर लीजिए कम, 3, 3 के कितना आ जाएगा, तो आपके पास 4 आ जाएगा, तैयारी दीजिए कितना, 4, ठीक है। अब यहाँ सोचो, अब आपको कितना पास है, यहाँ पे 2 कितना होगा, 8 11 11 11 में से आपका 2 गया, तो कितना हो जाएगा आपका, 9। और 9 में से आपका कितना चला गया, 8 चला गया, कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब सोचिए इधर तो कोई हमको अंक रहा नहीं, अब इधर जो अंक है ना वही ना है, तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 9 कितना होगा, 11। तो आप ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप ये भी सीख गए, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपने जो भी तरीका है इसका क्या किया, सीख लीजिए। अब कुछ यदि आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे अगर नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटी को दबा दें। और दोस्तों देखिए, कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। वो कोई भी यूट्यूबर हो, वो बहुत मेहनत से वो आशा रखता है, ठीक है ना, या फिर विश्वास रखता है कि वो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इससे क्या होता है कि जो आप यह करते हैं इसमें तो आपको कुछ लगता नहीं है, पर हाँ यदि आप ऐसा वो कर देते हैं तो किसी भी यूट्यूबर के लिए क्या होता है, बहुत खुशी की बात होती है कि उसमें जोश आता है, जुनून आता है कि हम ऐसे कोई भी कहानी, मतलब इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है लोगों के लिए, ठीक है ना। वो लोगों में अच्छी मेरी मतलब छाप बन रही है, ठीक है ना। इससे उनको खुशी मिलती है, इस तरह से वो क्या होता है, वो जोर शोर से और भी मेहनत करके क्या करता है कि वो वीडियो बनाकर आपको सामने आता है, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ, जब ये तो हमने मेरी पूरी आपको तरीका बताया, अब आपको हम देते हैं, ठीक है ना, 3-2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए 8, 6, 4, 2, +5, 6 यहाँ पे माइनस व्हाट बराबर दे देते हैं, ठीक है, बराबर 2, 4, 5 ऐसे क्या हो जाएगा। चलिए आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। एक और देते हैं, 2, 4, 2, 0, 0, 5 यहाँ पे 2, 3, 4 बराबर व्हाट, ठीक है, माइनस इतना का। चलिए तो इस तरह से आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम इंतजार करेंगे आपकी कमेंट का, जो सबसे पहले इस कमेंट के इसको मेरे जो बताएंगे उनको बहुत सारी हम शुभकामनाएं देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना मेरा आप हेल्प कीजिए। मैं आपको एक सिख धासु और शानदार शॉर्टकट ट्रिक लेकर मैं मैथ के कॉम्पिटिशन वाली जो मैथ होती है बुक होती है आर एस अग्रवाल और किरण की बुक को, और उसके अलावा मैं अपना से जो कुछ क्वेश्चन जो इथे किया है उसको भी आपके सामने रखूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्या करें बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, दोस्त क्या जाता है। चलिए इसके साथ चलिए, जय हिंद, जय भारत।